हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मिस्टर ग्रेट टेक्निकल में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास आया हुआ है सूर्य का इंडक्शन कुकटॉप। तो हम इसे सप्लाई दे के देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों देखिए ध्यान से ज़रा। अब जैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं तो इसमें E9 आ रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर जो E9 की प्रॉब्लम है, ये देखिए, हम इसके ऊपर पानी भरा बर्तन भी रखते हैं तब भी इसमें E9 की प्रॉब्लम ही आ रही है। ये देखिए, हम इसे बंद करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों इसे हम खोल के देखते हैं पहले इसमें किस वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। जो हमारे पास कस्टमर लेकर आया है उसने बोला है कि ये चलते चलते बंद हुआ है। अभी चलते चलते कैसे बंद हुआ है हम इसे देखते हैं, क्योंकि इसमें सप्लाई तो आ रही है। सबसे पहले हम इसके पेंच खोल लेंगे जल्दी से, इसको टॉप अप कर लेंगे अलग। ये देखिए, तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। वीडियो को पूरा देखे करें दोस्तों, तभी समझ में आता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक काम जो होता है ऐसे समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर का हेड अलग रख देंगे। और ये देखिए दोस्तों, इसकी कॉइल भी निकल चुकी है। ये देखिए, हम इसकी कॉइल का, ये सेंसर का जैक हटाना है और इस PCB को खोल लेना है दोस्तों, क्योंकि ऊपर से तो बिल्कुल साफ लग रही है दोस्तों। बिल्कुल देखिए, कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमेशा नीचे ही होता है फॉल्ट। नीचे से ही पता चलता है, चेक करने पे पता चलता है IGBT खराब है, रेक्टिफायर खराब है। तो हम इसे PCB को खोल लेते हैं पहले। इसे भी खोल लेते हैं जल्दी से। तो चलिए, अब ये खुल चुके हैं हमारे। इन साइड में रख देते हैं इसकी बॉडी को। अब समझिए दोस्तों, देखिए हमारा ऊपर कोई भी कैसे भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन नीचे देखिए, देखिए दोस्तों, इसके जम्पर तक के प्रिंट तक के उड़े हुए हैं। देखिए, सॉरी, प्रिंट तक के उड़े हुए हैं इसमें। हम इन्हें हटा देंगे ताकि दिक्कत न करें, और यहाँ पे जम्पर लगाएंगे। देखिए, हम इन्हें साफ कर देंगे, क्योंकि अब तो ये जल चुके हैं, इनका कोई फायदा ही नहीं, इसलिए इन्हें हटा दो। तो देखिए दोस्तों, इधर ये पहले भी रिपेयर हुआ है, आपको दिख रहा होगा फ्यूज़। ये डायरेक्ट कर रखा है किसी भाई ने, किसी कम नॉलेज वाले मिस्त्री ने, मैकेनिक ने इसे डायरेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों उसकी वजह से भी इसमें ये लंबा फॉल्ट आया है। अगर ये फ्यूज़ ही लगा हुआ होता तो ये ऐसा फॉल्ट नहीं आता, क्योंकि वो उससे पहले ही उड़ जाता। तो इसमें जो फ्यूज़ पर वायर लगा हुआ है, वो अच्छा खासा मोटा वायर लगा रखा है किसी भाई ने। तो दोस्तों चलो कोई बात नहीं, हम इसे हटा देंगे और इसमें फ्यूज़ ही वायर लगाएंगे, वो बात की बात है। पहले हम इसे चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है। जैसे कि आपने देखा कि इसके प्रिंट तो जल चुके हैं, लेकिन इसके IGBT रेक्टिफायर को हम टेस्ट करते हैं पहले। उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद ही देखेंगे क्या चीज़ हमें सही है और क्या ख़राब है और क्या इसमें रिप्लेस करनी है। तो चलिए हम कंटिन्यूटी पे चेक कर लेंगे पहले से। तो देखिए, इसका IGBT चेक करेंगे। तो दोस्तों ये IGBT शॉर्ट दिखा रहा है। बेस ई मीटर पर देखिए शॉर्टिंग आ रही है दोनों तरफ से, जबकि इस पर रीडिंग आनी चाहिए थी ई मीटर और कलेक्टर पर, वो सॉरी कलेक्टर और ई मीटर पे, कलेक्टर और ई मीटर पे रीडिंग आनी चाहिए थी, ना कि तीनों प्रोब पे, वो सॉरी तीनों लेग पे। अब हम इसे रेक्टिफायर को चेक करेंगे। ये देखिए, ये शोर था ये डायरेक्ट दिखाता, और रेक्टिफायर में प्लस माइनस पे प्रोब रखने पे प्लस माइनस पे वो दिखाता है थोड़ी बहुत रीडिंग, लेकिन हम इसे माइनस से दोनों बीच की चेक करेंगे तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब ये सही है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे
मल्टीमीटर को साइड में रखते हैं और इसे चेंज करते हैं, फिर इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो जल्दी से हम इसे खोल लेते हैं आपका टाइम ना लेते हुए। तो दोस्तों बहुत सावधानी से करना पड़ता है ये इलेक्ट्रॉनिक का काम। अच्छे से खोल, जल्दी जल्दी खोल लेते हैं हम इसे। देखिए इसकी हीट सिंग अलग रख दी। अब हम इसे आयरन की मदद से बाहर निकालेंगे इसका IGBT को। जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ बाहर। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों ये हमारा निकल चुका है। अब हम इसकी लेग पे 16 सोल्डर लग रहा है उसे काट देंगे, क्योंकि ये हमारा ख़राब तो है ही, तो कटर की मदद से इसे हम काट देंगे और ये अब आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए ये इसका IGBT है, इसके अंदर जो था H15 देख रहा होगा आपका नंबर, तो H15 लगा हुआ था इसके अंदर। हम इसे अब बाहर निकाल के चेक करेंगे। देखिए इसे टेस्ट कैसे करते हैं, ये देखिए इसके बेस कलेक्टर पे तो वोल्टेज रीडिंग आनी ही नहीं चाहिए थी दोस्तों, लेकिन ये दिखा रहा है, ये तीनों उस पर दिखा रहा है। देखिए कलेक्टर और ईमीटर से भी रीडिंग आ रही है, जबकि कलेक्टर और ईमीटर पे आनी चाहिए, ग्राउंड कलेक्टर पे और रेड वो प्लस वाला उसका मल्टीमीटर का उस पर लगाना है ईमीटर पे, और रीडिंग शो करेगा, उसके अलावा कैसे भी रीडिंग शो नहीं करेगा। देखिए मैं नया वाला चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये H15 था, इसका नंबर दिख रहा होगा H15। ये देखिए बेस से कलेक्टर और ईमीटर पे कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। देखिए तो दोस्तों ये हमारा ठीक है, ये देखिए ऐसे भी नहीं दिखाएगा। अब ये कलेक्टर पे ग्राउंड और पॉजिटिव ईमीटर पे लगाने पे रीडिंग आएगी, तो ये ठीक है। कलेक्टर और ईमीटर पे ही रीडिंग आती है और कैसे भी नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों हम इसे इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। उससे पहले इसके लेग को हम सीधा कर लेंगे प्लास की मदद से। तो दोस्तों आपको भी अच्छे से डालना है। और दोस्तों इसमें एक नॉलेजेबल वीडियो बात बता दूं मैं आपको, नॉलेजेबल आपकी नॉलेज के लिए अच्छी रहेगी, कि इसके अंदर ये 2000 वाट का है, तो हम इसमें ये ट्रांजिस्टर जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 25N 120 का, यानी कि 20 एम्पियर का लगा रहे हैं, ताकि जले ना जल्दी से, क्योंकि उस भाई ने जिसने लगा रखा तो 15 एम्पियर का लगा रखा था दोस्तों। ये देखिए अच्छे से फिट हो चुका है। इसकी लेगों को देखिए मैं नीचे कर देता हूँ ताकि हीट सिंक से टच ना हो, क्योंकि वो ऊपर उठ रही है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, डालते हुए अच्छे से लेग बिठा दें नीचे को। अब देखिए मैं इसे एक बार टेस्ट करूँगा, जो इसके ऊपर लगा हुआ है जिनर सेंसर, ये एक तरफ को डायोड की तरह ही चेक होता है, एक तरफ रीडिंग दिखाता है एक तरफ नहीं दिखाता है। और इसे ये बहुत कम ख़राब होता है वैसे तो, लेकिन इसे चेक कर लें, नहीं तो आपका रेक्टिफायर फिर उड़ जाएगा लगते ही। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी लेग को अच्छे से मोड़ देता हूँ ताकि सोल्डिंग अच्छे से हो पाए, क्योंकि लेग बड़ी होती हैं तो उन्हें काटते नहीं दोस्तों, मोड़ देते हैं, क्योंकि एम्पियर ज़्यादा चलने की वजह से अनसोल्ड डिसोल्ड भी हो जाता है, वो सोल्डिंग छोड़ देता है, इसकी वजह से इन्हें अच्छे से सोल्डर करना पड़ता है।
तो मैंने देखिए अच्छे से सोल्ड कर देता हूँ इसे। और ध्यान रखना है दोस्तों, प्रिंट आपस में टच ना हो, सोल्डर आपस में टच ना हो किसी भी प्रिंट के, नहीं तो फॉल्ट होने का खतरा हो सकता है। ये देखिए इसे अच्छे से साफ कर देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ हम जम्पर लगाएंगे, ये जो प्रिंट जल चुके हैं इसके। हमने यहाँ वायर का टुकड़ा ले लिया देखिए एक, तो जल्दी से हम इन्हें जम्परों को लगा लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और फिर इसे आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसे वर्क कर रहा है ये। तो अच्छे से लगा लेना है हमें सोल्ड। तो जम्पर हमेशा जब भी लगाएं दोस्तों अच्छी उसके लगाएं वायर के, ये मेरे पास पौने में है, इससे नीचे नहीं लगाएं, नहीं तो वो जल सकती है वायर, क्योंकि इसमें सप्लाई जाती है एसी के 220 वोल्ट रेक्टिफायर में, जिसकी बीच वाली लेग होती है। देखिए जहाँ से उठा जम्पर जला था हमने वहाँ से ही उसे उठा के रख दिया है, सॉरी जहाँ से प्रिंट जला था हमने वहाँ से ही जम्पर उठा के रख दिया है। आपको भी ऐसे करना है। अब देखिए ये ले लेते हैं और इसे रेक्टिफायर की दूसरी वाली बीच वाली पिन पे लगाएंगे, थर्ड वाली पे, और इसे भी जहाँ एसी के जेक लगा हुआ है 220 वोल्ट का मेन लाइन का, उधर लगा देंगे। देखिए दोस्तों मैं सोल्ड कर देता हूँ अच्छे से। दोस्तों आपको भी इसी तरीके से करना है अच्छे से। तो ये हमारी लग चुकी है, देखिए दोस्तों हमने जम्पर लगा दिए हैं। तो अब देखिए दोस्तों अब इसे फ्यूज़ को लगाएंगे हम, उससे पहले ये वायर हटा देंगे इस पे से ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। तो ये देखिए अभी साफ हो चुकी है। अब दोस्तों हमें लेना है एक फ्यूज़, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, ये फ्यूज़ का अंदर का तार लगाना है, क्योंकि हमारे पास वैसा फ्यूज़ नहीं है, ये लगेगा भी नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेबल फ्यूज़ नहीं है हमारे पास। तो हम क्या काम करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास भी ना हो तो वायर मत लगाइएगा जैसे पहले लगी हुई थी। इसमें एक फ्यूज़ लेना है 10 एम्पियर वाला, और 10 एम्पियर का फ्यूज़ लेने के बाद उसके अंदर का वायर निकाल लेना है उसे तोड़ के। देखिए जिस तरीके से मैंने निकाल लिया, अब इसे सीधा करना है और इसे सोल्ड करना है उस पर इस तरीके से। चलिए मैं इसे सोल्ड कर लेता हूँ। देखिए ये रुक नहीं रहा इस पर दोस्तों, दोबारा देखता हूँ लेकिन ये रुक गया, लेकिन अब भी नहीं रुक रहा दोस्तों। तो चलिए मैं इसे पीछे लगा देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो, क्योंकि ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ बात तो एक ही है, फ्यूज़ का ही काम करेगा। तो देखिए नीचे जो प्रिंट है फ्यूज़ के, उधर इसको सोल्ड कर देते हैं। देखिए उधर तो हमने सोल्ड कर दिया, अब इधर भी अच्छे से सोल्ड करना है इसे। जल्दी से हम इसे भी सोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पर पेस्ट लगा ले, क्योंकि फ्यूज़ वायर जो होता है एकदम सोल्डर नहीं पकड़ता, पेस्ट लगा लोगे तो इसमें ये जल्दी सोल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब हमारा फ्यूज़ भी लग चुका है और सब काम ठीक से हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे ये कैसा वर्क कर रहा है। तो अच्छे से करना है सारा काम सफाई से। अब हम इसकी बॉडी उठा लेंगे क्योंकि ये फिट करके ही पता लगेगा। तो देखिए अब हम इसे जल्दी से रख लेते हैं
और जल्दी से बॉडी में फिट कर लेते हैं आपका टाइम ना लेते हुए, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कीमती होता है आज के टाइम में, कोई किसी को अपना टाइम नहीं देता। हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसके स्क्रू लगा लेते हैं जल्दी से ताकि आपको चेक करके दिखा पाएं। ये देखिए, तो अब हम इसके सेंसर का जैक लगाएंगे। इसका सेंसर की एक बात बता दूं दोस्तों, बहुत कम ही चांस होते हैं ये ख़राब होता है, ये कभी ख़राब नहीं होता सेंसर, डायोड सेंसर होता है। इसे चेक करने का तरीका भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले से टेस्ट करते हैं हम कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, अब हम इसे पहले तो फ्रिज में लगाएंगे सबसे पहले, और फिर इसको चेक करेंगे, क्योंकि फ्रिज पे अगर कोई फॉल्ट भी होगा तो पता लग जाएगा या कोई शॉर्टिंग होगी तो। चलिए दोस्तों, इसमें लाइट आ चुकी है, तो देखिए हमारा इंडक्शन ओके हो चुका है, इसमें E0 आ रहा है। E0 जो आता है दोस्तों वो बर्तन रखने से पहले आता है, जब बर्तन रख देते हो हट जाता है जब सेंस होने लगता है तो। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ, ये मैंने वीडियो पॉज कर दिए वो इस वजह से, क्योंकि इसमें मैंने बर्तन रख के देखा, इसमें जब भी E0 ही आ रहा था, यानी कि इसमें और कोई प्रॉब्लम है और कुछ फॉल्ट भी है। तो दोस्तों मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो भाई मेरे, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस वजह से E0 आ रहा है। लेकिन मैं आपको भी रख के दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें अब भी E0 आ रहा है। तो दोस्तों इसमें अभी ये प्रॉब्लम हमें कैसे ठीक करनी है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।